छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली गई, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने बताया कि जिले का एक जवान बॉर्डर पर शहीद हो गया है, जिसके बाद रैली को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लगातार घोटाले किए हैं जिससे लोग परेशान हैं। प्रत्याशी विक्रम आके जी ने जमा किया है और चूंकि हमारे रौनक कला के भारत यदुवंशी शहीद हो गए हैं, इसलिए आज हमने बिना कोई तामझाम के सादगी पूर्ण तरीके से ये नामांकन पत्र भरा है। और जहाँ तक हम क्या मुद्दे लेके जाएंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। नगर पालिका में जो हुआ भ्रष्टाचार है, चाहे वो हमारे आप देखें शिवा लाइन की क्या स्थिति है, पूरी सड़कें खोद दिया आज तक दुरुस्त नहीं, 1500 करोड़ जगह गड्ढे हैं, 1500 करोड़ की ग्रेविटी पाइपलाइन डली थी, उसका कोई नल कनेक्शन कहीं किसी को नहीं मिला।